बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको शॉर्ट ड्यूरेशनल राइस वेराइटीज़ जो है ना, जो जल्दी पक जाती हैं, 1509 है, 1692 वगैरह, इनके वक्त काश्त के हवाले से मैं ज़रूरी अर्ज करता हूँ। पहले नंबर पर मैं ये अर्ज करूँ कि क्लाइमेट चेंज जो है ना, ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज के तनाजर में ये चीज़ जो है ना ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो जो बदलते मौसमी हालात जो है ना, ये देखें, क्लाइमेट चेंज कोई अलग थलग कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं है, बल्कि ये इज्तमाई कौमी अमाल की सजा है। सजा देखकर अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन आपके सामने आया कि ये कौम मादा परस्ती और बेअसूली का शिकार होकर ना सिर्फ ज़ाते हक़ की नज़र में गिर चुकी है, बल्कि क़यादत माफियाज की खुदगर्दियों और करप्शन ने इसे अक़वामे आलम की नज़र में भी बेवक़त कर दिया है। अब आ जाए कि मानसून के रवैये में ये जो तब्दीली आ चुकी है कि किसी साल तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, कई कई सालों तक जो है ना ये सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब में कोई ख़ास बारिश ही नहीं होती। देखें, पिछले साल तो जुलाई अगस्त में बारिशों की वजह से अगेती काश्ता फसल भी अच्छी हो गई थी, लेकिन मानसून इस साल यकीनी नहीं है। इस साल मानसून की बारिशें जो है ना सिर्फ शुमाली पंजाब तक महदूद होने का चांस मौजूद है। मानसून का ये इरेटिक रवैया जो है ना, ये मूंजी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इन हालात में कम दरौनियाँ वाली अकसाम जो है ना, ये 1509 किसान बासमती, 1692 और 1885 वगैरह, इनकी मई या जून में मुंतकली करना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, मेरा मशवरा यह है कि इन बासमती अकसाम की नर्सरी वस्त जून के दौरान काश्त की जाए और उनकी मुंतकली जो है ना वस्त जुलाई के बाद की जाए, तो इसमें जो है ना सेफ्टी रह जाती है। अब देखें भी, ज्यादा गेती बासमती लगाने वाले काश्तकारों का मैं जहां तक देख रहा हूँ कि 50% तक भी नुकसान हो सकता है। अभी मौका है, अभी आपके पास वक्त है। अब नर्सरी जो है ना वस्त जून के बाद जो है ना इन अकसाम की नर्सरी अब काश्त करें। जिन्होंने पहले काश्त कर ली है वो गलती पे हैं।